या लुखिया मैम, या सर लुखिया प्लीज लेफ्ट साइड मेरा जो नया म्यूजिक है ग्लोबल ऐसे नहीं उसकी जो आर्टिस्ट है मेन आर्टिस्ट काव्या जोन्स और उसकी एल्बम पहले मैंने एक निकाली थी ऊपर आजा मेरी भाव अब उसका नेक्स्ट गाना है तो ये गाना तुम है मेरा मेरा काव्या गा रही है मैंने कंपोज किया है फिल्म किया है और द डिफरेंस आई थिंक यू आर गोइंग टू लाइक दैट इज़ वेरी फंकी इट्स वेरी मॉडर्न बट वो एक मेलोडी जो है एक गुनगुनापन जो आप गाना गुनगुना सकते हैं आई थिंक दैट इज जस्ट एन पार्ट ऑफ द सॉन्ग सो मे बी काव्या कैन टेल यू इन हर ओन वर्ड्स की कैसे यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ लेजेंड लाइक हिम हु इज मेंटरिंग यू एंड यू नो फीलिंग दैट कॉन्स अबाउट योर सपोर्ट सर एंड अबाउट दिस प्रोजेक्ट एज़ सेट लाइक यू राइटली सेड आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई एम द चोजन वन आई थिंक मुझे भगवान ने बहुत अच्छे से टाइम लेके सर के लाइफ में भेजा है क्योंकि आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है एंड बीइंग एब्सोल्युटली अ यंग आर्टिस्ट एंड पुटिंग माय म्यूजिक आउट देयर एंड हैव हिम कंपोज एंड प्रोड्यूस इट इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे मिल सकता अपने म्यूजिक करियर में और ये गाना जैसे सर ने कहा कि काफ़ी यूनिक है इसका ढंग भी बहुत डिफरेंट है वीडियो कुछ बहुत ही डिफरेंट है अतरंगी है थोड़ा तो आप सबको देखने में भी बहुत मजा आएगा एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग इट रिकॉर्डिंग फॉर इट Sorry, mentoring you and what is your strength as an artist? I mean, how did you start it out and what was the strength and how are you going to and what is your vision for you as in the future? I think with Leslie sir, I'm only discovering my strengths and I'm really working on all the weaknesses that I have. I think I'm blessed to have a mentor like him because जितनी भी मेरी strengths हैं उन्होंने हमेशा उसी को आगे रखा है और उसी को ज़्यादा project करने की कोशिश की है and it's a work in progress. कभी सीखना नहीं बंद कर सकते तो मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा सीखती रहूँ और मेरा आर्ट ऐसे ही आगे बढ़ता जाए काव्या जो है शी केम टू मी शी इज माई को वोकलिस्ट जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं तो मेरे साथ गाती है तो जब पहले पहले आई थी सर मुझे आपके पास सीखना है सर वो वोकलिस्ट क्या सीखेगी आई डोंट नो तो मैंने बोला कि अगर तुमको सीखना है तो आज अब और 4 साल से एवरी डे आती है बहुत मुश्किल है आप कहाँ भी जाए अगर आपको किसी सीखना है और आपको बोला कि बस अभी मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है आ जाओ बैठ जाओ हम कुछ मीटिंग में जा रहे हैं आ जाओ साथ में तो ऐसे आते आते उसने बहुत कुछ सीखा है शी इज़ वर्क विद द बेस्ट पीपल शी इज़ मेट द बिगेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री क्योंकि साथ में रह रहे के सीख रही है और गाना कैसा गाना है इसको रिकॉर्ड कैसा करना है उस गाने में जो जान जो है वो कहाँ रहती है वो सब उसने सीखा है मैं कह सकता हूँ कि मेरी असिस्टेंट अच्छी असिस्टेंट बन गई है तो आई थिंक शी इज लर्नड अ लॉट एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वेरी फोकस्ड और ऐसा स्टूडेंट मिले एक ही है लेकिन बट व्हेन यू वर अ बिग नेम एंड राइट नाउ यू आर अ बिग नेम सोशल मीडिया वाज नॉट देयर आई मीन पीपल ही नॉट हैव द सोशल मीडिया मीडियम आजकल लोग अपने क्रिएटिव मीडियम को किसी भी तरह से मतलब बाय हुक और क्रूक दे वांट टू बिकम पॉपुलर एंड यू नो दे वांट टू ग्रो देयर व्यूअर्स व्हाट टू से अबाउट दिस तो
सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऑल प्रमोशन ऑल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन कॉन्टेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट इट शुड बी इन राइट वे मैन वही मेरा वही कहना है एक राइट वे में जब आएगा कब आता है जब कॉन्टेंट अच्छा होता है सही होता है तो ऑटोमेटिकली राइट वे में जाता है माई पॉइंट इज़ कि सोशल मीडिया हमारा एक गाना है जहाँ मुझे लगता है और जो लोग सुनते हैं उनको लगता है कि कॉन्टेंट अच्छा है आपने सुना है परी हूँ मैं जानम समझा करो यारो दोस्ती पल जो भी है जासानी थपा कृष्णा उसमें कंटेंट अच्छा है तो उस टाइम का जो सोशल मीडिया था जो न्यूज़पेपर से रेडियो स्टेशन से उन्होंने उसको फैलाया अब 2022 है मुझे लगता है कि ये गाने में भी वही बात है वही स्ट्रेंथ है गाने में कॉन्टेंट है तो ये सोशल मीडिया उसको फैला है एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक है बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग है मैन यू नो व्हेन टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड म्यूजिक एज सच पहले क्या होता था कि बॉलीवुड के गाने बहुत पॉपुलर होते थे लोग जुड़ना चाहते थे अभी का सीन ये है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना ज़्यादा लार्ज हो गया है तो व्हाट डू यू सी अबाउट इट आई मीन ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो मैंने ही स्टार्ट किया था परी हूँ मैं करके गाना था उस टाइम और इंडी पॉप करके कुछ था ही नहीं उसका नाम बन गया इंडी पॉप अब बहुत से लोग अपना अपना गाना करने लगे तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक बढ़ गया है इतना म्यूजिक आ रहा है किसी को कुछ याद नहीं रहता है इसके सब माइंड में आके निकल जाता है दिल तक नहीं पहुंचता है तो बिग डिफरेंस जो है कि एवरीबॉडी इज मेकिंग म्यूजिक वेरी फ्यू पीपल आर मेकिंग सॉन्ग्स दैट स्टे इन योर हार्ट सब आके सुनते हैं तो म्यूजिक बहुत बन रहा है वो मेमोरेबल गाने जितने बन रहे हैं तो मुझे मेरा कहना है कि वो आने वाला है वो पास्ट में था इसीलिए आप गाने वो पहले से गुनगुना रहे हैं और आगे जाके भी मुझे लगता है कि लॉट्स ऑफ न्यू सॉन्ग्स जिसमें कंटेंट और ट्यून अच्छी हो या आपके दिल तक जाएगा वो आने वाला है सर आपने आशा भोसले से लेके काव्या जोन्स तक कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिया है और उनको इस टाइप ऑफ म्यूजिक में इंट्रोड्यूस किया है तो आपके जो कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको आपने एक डिफरेंशियल सॉन्ग दिया और कैसे गाने थे थोड़ा सा आप अगर उस बारे में बोल सकते हैं तो एंड देन अ लिटिल अबाउट द सॉन्ग शी इज डूइंग करेंटली हर आर्टिस्ट का एक खूबी अलग होता है तो आशा जी का एक अलग था उनका स्टाइल सब जानते हैं तो वो उनके लिए जानम समझा करो मैं कैसे करूँगा वो एक मुश्किल था कि विशेष आशा जी उसके बाद जैसे कि परी हूँ मैं वो कंपोज करने में वो आर्टिस्ट को कैसे दे या समझो कृष्णा डी बेगनी हरी अरर मैं हम दोनों साथ में हरी की क्या खूबी है मेरी क्या खूबी है कैसे मिक्स करें और जैसे कि एक यंग आर्टिस्ट था के तो उसको सामने ला के लोगों पर पेश करें कि इतना अच्छा सिंगर है तो उसके लिए कैसा गाना लिखना आप देखेंगे सब गाने अलग अलग हैं क्योंकि आर्टिस्ट अलग है तो उसी तरीके से मैंने काव्या के लिए गाना जो मेरा है वो क्योंकि बहुत अलग सी आर्टिस्ट है उसकी खूबियाँ बहुत हैं जितनी दिखती है कि ऐसी दिख सकती है कल कुछ और दिख सकती है तो वैसा उसको गाना भी वैसा ही है तो शी इज़ वेरी मोल्डेबल शी इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड शी इज़ वेरी म्यूजिकल तो उस हिसाब से ये गाना बना है इस गाने में भी काफ़ी सारे वेरिएशंस है ना जैसे यू हैव वन हैंड यू हैव एनर्जी ऑन द अदर हैंड देयर इज मेलोडी तो ये एक सॉन्ग में आपने मिक्स किया एंड आई लाइक हर टू मे बी सिंग अ फ्यू लाइंस ऑन इट सो मैं पहले गा दूँ कि पहले बोल दूँ गा लूँ पहले हे तेरी ये नज़दीकियाँ धड़काए दिल ये मेरा 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 दिल धड़के अपासा आँखें मिलाने जरा और सुन दिल ये कहता है क्या तेरी बनी मैं तेरी रहूं मैं जाना ओ तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं ओ तू है मेरा मेरा दिल चुरा के अब तेरा तेरा अपने ही दिल में बसा लूं ये दिल को लॉक करके कह दूं मैं बेबी अब कहीं ना जाना और इसमें इसके बाद ये तो एक और इसके बाद एक मेलोडी आता है मेलोडीज भी है तो क्या क्या नशा खुशबू ज़हन में भरा क्या समां ख्वाबों में जी जरा ओ तुझको अब पाऊं मैं कैसे समझाऊं मैं
मेलोडियस से एक क्लासिकल पढ़ा भी हुआ जो इंडियन इंडस्ट्री में है, वो आके वापस फिर से फंकी बनना। आई थिंक पीपल आर लाइक दैट, उनके हर लाइफ में अलग अलग जोन्स है, घर जाते हैं अलग रहते, बाहर जाते हैं, तो आई थिंक म्यूजिक हैज दैट थिंग कि ये भी मेरा है, बाहर जाते और गुनगुना रहते, घर पे आते तो और सर बट मोर थिंग आई मीन यू आर नॉलेजेबल ऑफ ऑल द वर्ल्ड म्यूजिक एंड ऑल द सिनेरियो हैपनिंग इन, तो वेस्टर्न कंट्रीज में इतना लार्जर एंड लाइव म्यूजिक का आर्टिस्ट का, खास कर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का, इंडिया में यू थिंक दैट्स अ थिंग्स ऑफ इंप्रूवमेंट, आई मीन ऑर्गेनाइज ज्यादा होना चाहिए इस चीज़ों को। मुझे लगता है सिस्टम नया नया है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के इंडिया में, तो वो सिस्टम अब जगह में आ रहा है, वो पूरा टाइम लगेगा, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, इंडिया में भी बहुत सा टैलेंट है जैसे इंटरनेशनल में है, वो हमारे थोड़े आगे है क्योंकि वो हमारे पहले करते रहे, तो उसमें क्या मिस्टेक्स है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक दे ऑलरेडी डन दैट, उनकी लेवल आउट होगी, इंडिया की अब लेवल आउट हो रही है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक क्योंकि इतने सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आए हैं मैदान में, तो आई थिंक यू गोइंग टू गेट सम फैंटास्टिक। लास्ट वन मोर थिंग, आई मीन आवर ऑडियंस इज सो मच बॉलीवुड आउटसाइड कि उनको आर्टिस्ट चाहिए, यू नो एक्टर्स और एक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, वो कितना वीकनेस है एट द पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू डू समथिंग क्रिएटिव एज सच। आई थिंक क्योंकि बॉलीवुड डोमिनेटेड है ही, आई थिंक हमें उसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू हैव अ बॉलीवुड एक्टर और अ बॉलीवुड एक्ट्रेस बैक योर सॉन्ग्स, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्रिटिकल बात है, बट हाँ क्योंकि आई थिंक मेरे लिए ये मेरा गाना है, तो आई वॉन्ट टू बी द फेस ऑफ माई म्यूजिक वीडियो, आई डिडंट वॉन्ट एन एक्ट्रेस और एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो इवेंचुअली देखेंगे, बट आई एम नॉट गोना रन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आज हम बॉलीवुड की वजह से हम कितने सारे गाने सुनते हैं। जैसे आपने पहले भी पूछा कि वेस्ट में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑलरेडी था बहुत टाइम से, वहाँ पे ज़्यादा फिल्मों में गाने नहीं आते थे, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ फिल्मों में ही गाने सुनते सुनते हमने देखा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो अभी शुरू हुआ है, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो गाना जो हमने किया है तू है मेरा काजा का गाना, उसमें आप जब रेडियो ऑन करोगे या ऑडियो ऑन करोगे आपको अच्छा लगेगा, अब जब वीडियो देखेंगे उतना या उतने से ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें भी इतनी वैरायटीज है जो ऑडियो में है, तो आई थिंक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना गाना और आपको मुझे लगता है कि अगर हम ही हमारे गाने को नहीं फेस देंगे तो एक इंडिपेंडेंट गाना उसी से बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है, यहाँ पे तो कोई सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पे तो सिर्फ मेरा गाना है और मैं, तो आई होप आप सबको ये गाना आगे अच्छा।